तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे फर्स्ट था उसमें कूलम्स लॉ, सेकंड था इंडक्शन आपका, थर्ड था आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम्स। बट बाय द वे यहाँ पे हम देखने वाले हैं, वहाँ पे मेरा एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेक्चर 2 के अराउंड, तो इसको हम लेक्चर 3 में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो पहले टॉपिक को देखते हैं, क्लियर करते हैं कि है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो हम बता दें आपको कि ये बेसिक लॉ है जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ये प्रकार का बेसिक लॉ है जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, उसी का ये एप्लीकेशन है, है ना। बट कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा था, बस दो चार्जेस थे और दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्सेस देखे थे। लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस एग्जिस्ट कर जाए, और उस किसी एक चार्ज पे हमें टोटल फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। चलिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, जब एक सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो और एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन हो, इट कैन बी अट्रैक्शन कैन बी रिपल्सन, है ना, उनके साथ एक दूसरे के साथ क्या हो इंटरेक्शन हो, तो अगर किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स पता करना है, है ना, देन द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स पता करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। हम किसको निकालने वाले हैं, फोर्स को निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर सम करेंगे किसका, जितने भी फोर्सेस उस चार्ज पे लग रहे हैं ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, समझ गए। यानी कि अगर किसी सिस्टम के अंदर, जैसे कि एक सिस्टम कवर करते हैं, है ना, एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस सपोज कर लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर मान लेते हैं क्यू वन चार्ज यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू टू चार्ज यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और क्यू थ्री चार्ज यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तीनों का पोजिशन वेक्टर दे दिया यहां से, कि क्यू वन का जो पोजिशन वेक्टर है ओरिजिन से वो आर वन है, क्यू टू का जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, आर टू वेक्टर है, और जो क्यू थ्री का पोजिशन वेक्टर है वो क्या है भाई, आर थ्री वेक्टर। तो सपोज हमें बताना पड़ गया अगर कि टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू थ्री, तो इसके द्वारा इस पे फोर्स किस तरह इधर लगेगा एफ वन, है ना। अगर हमें बताना पड़ गया कि पता करिए सिस्टम में तीन चार्जेस का, है ना, और तीनों चार्जेस का जब सिस्टम बनाया जा रहा है, किसी एक स्पेस में रखा जा रहा है, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, पहला फोर्स तो क्यू वन के द्वारा, दूसरा फोर्स आपका क्यू टू के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि क्यू वन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो एफ वन है, बाद में निकाल लेंगे, है ना, कूलम्स लॉ के द्वारा के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन जो भी ये डिस्प्लेसमेंट आएगी ये वेक्टर उसका स्क्वायर। एफ वन हमारा फोर्स लग रहा है ड्यू टू वन चार्ज वन, एफ टू फोर्स सपोज कर लेते हैं हमारा लग रहा है किससे, ड्यू टू चार्ज टू। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें टोटल फोर्स का सम निकालना हो तो इन दोनों फोर्सेस का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। दैट मींस कि एफ नेट अगर निकालना हो तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर एफ वन एंड एफ टू सपोज दिस वन, है ना। आइए हम इसमें देखते हैं इसके एक्सप्रेशन क्या क्या बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, है ना। तो इसको कवर करते हैं हम एक्सप्रेशन के तौर पे। तो हम देख पाते हैं यहां से कि हमने एक सिस्टम में रखा है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ थ्री और एन चार्जेस, हमने थ्री चार्जेस कंसीडर करे हैं, अगर बहुत सारे चार्जेस एन चार्जेस आ जाए उसके लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे तीन चार्जेस ले रखे हैं क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, है ना, किसी एक थ्री डी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, x और y एक्सिस पे मान लेते हैं हम, z एक्सिस आपकी जीरो है सपोज कर लेते हैं, और इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1, q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2, q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r3। इफ वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन q1 चार्ज, इफ वी हैव टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन चार्ज q1, देन व्हाट वी विल डू, सपोज we have to find total forces on charge q1, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर total force हमारा q1 पे पता करना हो तो ये force लगेगा q2 के द्वारा भी, ये force लगेगा q3 के द्वारा भी, है ना। हम मान लेते हैं कि q2 के द्वारा जो force लग रहा है q1 पे वो है f1, q3 के द्वारा जो force लग रहा है q1 पे
वो है F2, है ना, वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो हमें सबसे पहले पता करनी होगी F1 और F2 की वैल्यू क्या है, फिर हम इसको वेक्टर के तरीके से सम कर सकते हैं, है ना, जो भी हमारा ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसके थ्रू हम इसको सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा F1 की वैल्यू क्या होगी, है ना, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1, F1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं F1 किसे किसके बीच का फोर्स है, तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स है। क्या Q1 और Q2 के बीच की हमें दूरी पता होनी चाहिए? Yes, पता होनी चाहिए। हम कैसे निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये इनिशियल फाइनल देन R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ दिस वन विल बी गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q3। Q1 और Q3 के बीच की टोटल हमें डिस्टेंस पता करनी होगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस R1 माइनस R3 वेक्टर, R1 माइनस R3 वेक्टर। तो अब कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास दोनों चार्जेस पता है, उनके बीच की डिस्टेंस भी पता है, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, F1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, तो F1 की वैल्यू होगी आपके पास के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू, F1 की। सिमिलरली हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी के Q1 Q2, ये कैसा है भाई, कूलॉम लॉ, है ना भाई, कूलॉम्स लॉ, है ना। बच्चे पूछेंगे भाई कैसे निकाला आपने, तो हमने कैसे निकाला, कूलॉम्स लॉ से निकाला। अगला कंडीशन है क्या है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का, तो है R1 माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर इसका वेक्टर सम करना हो, हमें दोनों फोर्सेस पता चल गए, अगर हम मान लेते हैं कि F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है, तो टोटल फोर्स कहां लगेगा, बीच में, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ, टोटल फोर्स क्या लगेगा, बीच में लगेगा। अब इनके बीच की ले लेते हैं, एंगल क्या होगी, थीटा होगी, तो हम टोटल फोर्स का पता लगा सकते हैं, दैट मींस F नेट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी गिवन, जो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, वो दी रही रहेगी, है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर बहुत सारे चार्ज, अभी तो हमने तीन चार्जेस के लिए देखा, अगर बहुत सारे चार्जेस हो ऐसे n चार्जेस हो, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो उनके लिए फॉर्मूला बनेगा F net equals to, जैसे हमने क्या करा यहाँ पे, हमने जो करा वो F net equals to क्या किया भाई, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर के तौर पे जोड़ा इसको, है ना। ऐसे ही अगर F net निकालने हो किसके लिए, फॉर n चार्जेस, तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस हों, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए जो F net निकलेगा, टोटल फोर्स निकलेगा, वो क्या होगा, F1 F2 F3 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहां तक, जितने भी चार्जेस होंगे, यानी कि Fn फोर्स होंगे, है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं द टोटल फोर्स विच इज एग्जर्टिंग ऑन द एनी वन चार्ज, यानी गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज पे हम टोटल फोर्स का पता लगा सकते हैं। हम दो चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि बेसिक या बोर्ड के लेवल पे, फिर हम दो चार क्वेश्चन देखेंगे कॉम्पिटेटिव लेवल पे। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहली आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड। सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में कोई दे रखा होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड क्या है, ए है, है ना। तीन सिमिलर चार्जेस, अभी सिंपल चल रहा हूं मैं, अभी तीन सिमिलर चार्जेस रखे गए हैं क्यू क्यू क्यू, तीनों वर्टेक्स पे, जिसका साइड क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए है। तीनों एंगल पता होंगे आपको 60 60 60, है ना। ये Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, Q3 मान लीजिए, ठीक है। हमें अगर पता करना हो कि टोटल फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1, Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई करेंगे और वैल्यू को हम पता कर सकते हैं कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। तो कंडीशन क्या आती है, इसके द्वारा मान लेते हैं हम फोर्स इधर, इसके द्वारा इधर, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना,
हम मान लेते हैं कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा वो क्या हो रहा है, F1 हो रहा है, ठीक है। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q3 के द्वारा वो हो रहा है F2, समझ रहे हो, F1 और F2 फोर्स है। तो F1 और F2 की सबसे पहले वैल्यू पता करेंगे क्या होती है ना। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या चीज, K Q1, है ना, F1 तो ये है ना, ये वाला फोर्स है F1, तो K Q1 Q2, Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम A स्क्वायर। क्या है फोर्स, पहला फोर्स है F1 है। दूसरा फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारा Q3 के द्वारा इस पर लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा F2 विच इज इक्वल्स टू K Q1, Q1 है ये Q3 अपॉन A स्क्वायर, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं फाइनली F नेट की वैल्यू पता लगा सकते हैं, कैसे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 और F2 वेक्टर को सम करके इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। वो सम हम कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने बताया अभी, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो कैसे करेंगे, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos, cos की वैल्यू क्या 60, cos 60 सबकी वैल्यू रख के आप टोटल F नेट का वैल्यू पता लगा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स भर देना, मैं बॉक्स छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। अगली प्रॉब्लम, ऐसे तो क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, अगली प्रॉब्लम कि अगर यहीं पे क्या कर दे, माइनस Q1 कर दे, क्या कर दे, माइनस Q1 कर दे, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इसके द्वारा फोर्स जो लगेगा वो इस लाइन पे लगेगा, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन पे लगेगा, ठीक है ना, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस पे लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले F2 इधर इसके अलॉन्ग था वो किसके अलॉन्ग होगा, अब टुवर्ड्स द Q3 होगा, Q3 के अलॉन्ग होगा। तो अब कंडीशन क्या बनती है, अब F2 ऐसे एग्जिस्ट करेगा, है ना, दूसरी थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम है, मैंने वैल्यू सिंबल को चेंज कर दिया हमने, बस Q1 पॉजिटिव था वहां पे, यहां पे क्या है माइनस में है, नेगेटिव में, दैट मींस अट्रैक्टिव नेचर होगा दोनों के साथ इनका। तो यहां पे F2 इधर लगेगा और F1 इधर लग रहा होगा, एंगल 60, तो F1 और F2 की वैल्यू निकालिए, वैल्यू को बता दीजिए आप। अगला प्रॉब्लम, अब अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम कुछ पे क्वेश्चंस, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम पे भी आते हैं कि अगर दो चार्जेस रखे जा रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर पोजीशन ए और पोजीशन बी पे, है ना, तो उनके बीच में या फिर उनके लाइन ऑफ जॉइनिंग पे किस पोजीशन पे जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम दो चार्जेस ले लेते हैं पोजीशन ए पे और पोजीशन बी पे, दो चार्जेस लिए हमने क्यू क्यू कहां कहां पे, पोजीशन ए पे और पोजीशन बी पे। अगर हमें पता करना हो, हाँ ये बताओ कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। अगर हमें पता करना हो कि दोनों के बीच में किस पॉइंट पे कितने दूरी पे फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, है ना, यानी उस पॉइंट पे फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे जितना फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू इधर लग रहा है उतना ही ड्यू टू चार्ज क्यू इधर भी लगेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस जाने पे हमें पॉइंट मिल रहा है सी, ठीक है, पॉइंट मिल रहा है सी, और हम क्या कर लेते हैं कि फोर्स एट सी इक्वल्स टू जीरो, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रहा है सी पे जीरो लग रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल फोर्स सी पे जीरो लगे, टोटल फोर्स सी पे जीरो लगे और हम यहां पे वैल्यू मान ले क्या चीज, कैपिटल क्यू, अगर चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया तो सपोज कर लेते हैं कि टोटल फोर्स अगर कैपिटल क्यू पे जीरो लग रहा है ना, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पता कर लेते हैं, तो इनके इनके बीच का फोर्स मान लेते हैं एफ वन, इनके इनके बीच का फोर्स मान लेते हैं एफ टू। हमें पता होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहेगा, इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए उस पॉइंट पे, सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि फॉर इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ ऑफ चार्ज
अगर क्यू हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ वन वैक्टर इक्वल्स टू एफ टू वैक्टर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एफ वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ टू, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है। कंडीशन देखिए, दोनों की वैल्यू को हम इक्वल करते हैं, यानी कि एफ वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ वन की वैल्यू हो जाएगी के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, दैट मीन्स टोटल आर एक्स निकला, ये हमारा बचा क्या चीज आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास अगला इक्वेशन आया क्या चीज, इधर देखिए आप, हमारे पास जो अगला इक्वेशन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर माइनस एक्स, आर इक्वल टू टू एक्स, एक्स इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे हमारा टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जितना हम आर ले रखे हैं आर बाई टू पे हमारा फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऐसे ही स्क्वायर पे क्वेश्चन आए, जैसे कि क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में ऐसे कुछ, है ना, बहुत बार आ भी चुका है बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारे क्वेश्चन, पहले बता दिया हूं मैं, अगर ऐसे क्वेश्चन हो क्यू वन चार्ज क्यू टू चार्ज क्यू थ्री चार्ज क्यू फोर चार्ज, फोर चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर आर प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ए बी सी और डी क्या है आपका स्क्वायर के वर्टेक्स है, कॉर्नर्स है, और उन कॉर्नर्स पे देख सकते हैं आप फिगर के अकॉर्डिंग चार्ज रखे गए हैं कितने, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर। हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये साइड क्या है सबके बीच की, हम पता है कि सबकी साइड जो होती है किसी स्क्वायर के लिए जो सारी साइड्स होती है बराबर होती है, वो हम ले लेते हैं ए, है ना। इफ वी हैव टू फाइंड, इफ वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स ऑन क्यू टू चार्ज, अगर हमें Q2 चार्ज पे टोटल फोर्स का पता लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं Q1 के द्वारा फोर्स लगा रहा है इधर F1, Q2 के द्वारा जो फोर्स, सॉरी F1 के द्वारा फोर्स लगा रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, Q1 के द्वारा F1 लग रहा है, Q3 के द्वारा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं F2, और Q4 के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कितना, वो मान लेते हैं F3। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि F1 और F2 का क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा, यानी कि सबसे पहले वैल्यू पता करनी होगी F1 की, F2 की, F3 की, तीनों की वैल्यू पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो F1 की वैल्यू हो जाती है आपके पास K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। अगला है F2, F2 यानी कि ये फोर्स है जो कि Q3 के द्वारा लग रहा है, वो हो जाएगा आपका K Q2 Q3 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी F3 की, F3 की पहले निकालना होगा आपको ये वैल्यू डायगोनल, है ना, तो हो जाएगा आपका ए रूट टू, या फिर बोल सकते हैं रूट टू, रूट टू ए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे आप। तो F3 की वैल्यू निकालते हैं, तो F3 की वैल्यू क्या आ जाती है इसके लिए, के के वैल्यू हो गई Q2 Q4 अपॉन दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका रूट टू ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, जो F1 और F2 के बीच की वैल्यू है ना, यानी कि हम सम कर लें किसका, F1
प्लस एफ टू का, जब एफ वन प्लस एफ टू का सम कर देंगे तो कंडीशन क्या आएगी, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस 90, है ना, कॉस क्या है दोनों बीच के अंदर 90। फॉर्मूला बनेगा यहां से एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस पे लगेगा, इस वाले लाइन पे लगेगा, इस वाले पे, है ना, किस पे, एफ थ्री पे। तो अब ये टोटल फोर्स निकाल लेंगे, हम मान लेते हैं ये एफ डैश है, क्या है ये जो फोर्स है वो एफ डैश है। हम क्या करेंगे, अब एफ थ्री में एफ थ्री भी इसी पे है और एफ डैश भी, दोनों का सम क्या आया, इसी पे आया। तो आप क्या करेंगे कि एफ थ्री प्लस एफ डैश का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, है ना, और सम करके इसकी वैल्यू को पता लगा लेंगे, ठीक है।